नमस्कार, न्यूज इन साइंस में आपका स्वागत है। पेश है प्रोग्राम विज्ञान के ऐतिहासिक पन्ने, और आज बात करते हैं भारत के इतिहास में अंतरिक्ष कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत की, क्योंकि आज के दिन 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो की स्थापना की गई थी। इसकी बुनियाद 1962 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के तहत की गई थी। इस विकास में प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूमिका थी। वे अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को समझते थे और एक राष्ट्र के विकास में इसकी भूमिका के प्रति आश्वस्त थे। अंतरिक्ष विभाग 1972 में बनाया गया और इसरो इसका एक हिस्सा बन गया जो आज तक बना हुआ है। इसरो का मिशन है सतत राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दोहन करना और विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाना। इसरो ने शुरुआत में साइट प्रोग्राम और आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद 1980 तक अपना लॉन्च व्हीकल SLV-3 विकसित किया। इसरो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है और आज तक इसरो द्वारा देश विदेश के अनेकों सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें एक ही लॉन्च में 104 उपग्रह लॉन्च करना और चंद्रयान मिशन भी शामिल हैं। अब इसरो मानवीय मिशन की तैयारी में है। चलते चलते यह भी बता दें कि आज के दिन ही साल 1794 में स्वीडन के माइकोलॉजिस्ट एलायस फ्राइज का जन्म हुआ था, जिन्होंने फंजाई एल्गी लाइकन्स के वर्गीकरण और नामकरण की प्रणाली विकसित की थी। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल मिलते हैं एक और वैज्ञानिक जानकारी के साथ। देखते रहिए न्यूज इन साइंस। नमस्कार।